हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुबई राइज फ्रॉड के बारे में। अभी रिसेंटली मैं चाइना का विजिट किया था, तो चाइना के आने के बाद मुझे पता चला कि इंडिया से जो एक्सपोर्टर है, जिन्होंने एक्सपोर्ट किया, उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो वो जो एक्सपोर्टर थे, वो राइस के एक्सपोर्टर थे और वो पंजाब से थे और उन्होंने दुबई में एक्सपोर्ट किया था। बहुत सारे लाइक एक्सपोर्टर थे जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था। जो राइस वो लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, उसका जो क्वांटिटी था वो 6000 टन था और उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 30 crore था। और वो जो दुबई में एक कंपनी थी, उसका स्टोरी क्या है कि दुबई में एक कंपनी थी जो पाकिस्तानी बंदा था और इंडियन लोग भी उसके साथ उसने कुछ किया था जुगाड़। तो एक कंपनी बनाई दुबई में और यहाँ पे इंडिया से जो एक्सपोर्टर है उसे वो मिला और सारी चीज़ें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कि उसको ऑर्डर मिला और ऑर्डर दिया, पहला ऑर्डर सक्सेसफुली किया, पेमेंट भी आ गया। दूसरी बार जो बायर है उसने सारे एक्सपोर्टर को ट्रस्ट में लिया, बड़ा ऑफिस दिखाया, बड़ा उसका हाउस दिखाया जिसका रेंट था अप्रोक्सीमेटली 2 lakh rupees इन दुबई में अच्छे टावर में। तो वो सब दिखा के उसको ट्रस्ट में लिया कि बड़ा आदमी है। तो उस वो लोगों ने मिल के बहुत सारे जो है 6000 टन राइस का एक्सपोर्ट कर दिया। और जब पेमेंट की बात आई तो बोला कि डॉक्यूमेंट आप दे दो, आपका पेमेंट मैंने करवा दिया है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में है। 12 days वो जो ट्रांजेक्शन है अंडर प्रोसेस दिखा रहा था और वो बंदे ने इतने दिनों में वहाँ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके गुड्स को शुरू जो वहाँ पे क्लियर करके बेच के जो उसका पेमेंट था वो लेके फरार हो गया। फिर इंडियन एक्सपोर्टर का पैसा नहीं आया तो वो लोगों ने पूरा दुबई जाके देखा, उन्होंने कंप्लेन किया, बट वो जो बंदा था वो वहाँ से फरार हो चुका था। तो ये जो है हमारा इंडियन एक्सपोर्टर का सारा पैसा डूब गया। तो मैं बार बार, मेरे आप वीडियो देखो, पुराने भी वीडियो, मैंने 2-3 दुबई का विजिट किया है, बी केयरफुल विद दुबई, मैंने तो टाइटल ही वो दे दिया है। और मेरे स्टूडेंट जो ट्रेनिंग में आते थे उसे तो बहुत क्लियरली डिटेल में बताता हूँ मैं कि क्या क्या है, कैसे है, यहाँ मत जाना, यहाँ जाना, तो वो मैं डिटेल में बताता हूँ। बट मैं नॉर्मली भी आप लोगों की हेल्प के लिए भी मैंने टाइटल दिया है बी केयरफुल विथ दुबई, दुबई के साथ बिजनेस करने में ध्यान रखना। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं जो बताता हूँ मेरा जो नॉलेज है इस हिसाब से बताता हूँ कि जैसे कि मैं अभी चाइना का विजिट किया तो मेरे को चाइना का कोई तारीफ नहीं करना है, हमें जो बढ़ाना है हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट ही बढ़ाना है। पर जो उसकी अच्छी बात है वो जाननी है हमको, उसकी बुरी बात जो है हमें जाननी है। सेम चीज़ है कि दुबई को मेरे को कोई नीचा नहीं दिखाना है कि ऐसा है वैसा है, बट हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना कोई बिजनेस में अप है ना कोई डाउन है, यहाँ पे हमें एक ही चीज़ है, हमें प्रोफेशनल बनना है, हमें सीखना है कि बिजनेस कैसे होता है। मैं अभी रिसेंटली चाइना होके आया, बराबर है, मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊँ, चाइना में मंदी चल रहा है, बराबर है, चाइना में मंदी चल रहा है। तो मैं मेरे जो सप्लायर उससे मिला तो बहुत फ्री था, बोले कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है बताइए, बट जब पेमेंट की बात आई बोल दिया पेमेंट दो तभी ऑर्डर कन्फर्म होगा। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करो, अच्छा दुबई में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, तभी आप अच्छा एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तब कैसे काम करोगे? इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं तो लोकल भी बिजनेस करता हूँ, इंटरनेशनल भी बिजनेस करता हूँ। अरे लोकल में जो बंदा 2000 rupees लेके भाग गया वो नहीं देता यहाँ पे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2000 नहीं देता तो 20 lakh rupees वो कैसे देगा, आप कैसे वहाँ पे जाओगे? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो कभी भी आप दुबई के साथ बिजनेस करो तो सिस्टम से काम करो, दुनिया के साथ बिजनेस करो सिस्टम से काम करो। और अभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बी केयरफुल विथ दुबई। एंड दूसरी बात, कमोडिटी में जब आप करते हो जैसे कि राइस का हो, ऑनियन का हो, तभी ध्यान रख के बिजनेस करना है। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट मेरे पास आए थे कि सर आप फ्री हो, मुझे आपका काम ही मिलना, मैंने बोला आ जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो वो मेरी ऑफिस में आए और वो मिले कि सर LOI लेटर ऑफ इंटेंट दुबई से था, 1000 ton राइस का था, कि सर ये ऑर्डर है और पेमेंट एडवांस दे रहा है। मैंने तो प्रैक्टिकली डाउट किया, दुबई और एडवांस भाई हो ही नहीं सकता। मैंने पूरा रीड किया क्या है, फिर उसमें पूरा था कि ऐसा रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ये ऑर्डर लेने के लिए आपको एडवांस देना है 50,000 समथिंग। तो वो नए नए तरीके अपनाते हैं, मैंने बोला कुछ हमको एडवांस नहीं देना है, उसको गुड चाहिए तो वो हमें एडवांस देगा, समझ में आ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे टाइप के फ्रॉड करते हैं तो उसका ध्यान रखना है। तो अभी राइस का जो हमारे इंडिया में हुआ है, जो लोगों का, बहुत सारे लोगों का, मतलब 30 crore rupees जो लोगों के डूब गए हैं, जिन्होंने लोन लिया होगा,
बहुत सारी दिक्कतें, तो आप भी बिजनेस करो, पहले सीखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लर्न करो, कहीं से भी सिस्टम से काम करो, प्रोफेशनली काम करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये बहुत ही बुरा है एक्सपोर्टर के लिए। बाकी बहुत सारे लोग हैं अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, बट ध्यान रख के बिजनेस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो लोगों को पता नहीं होता ना, उसके साथ ठगी होती है। तो ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है, आप पूरा ध्यान रख के करो, सेफली करो, आपका नुकसान ना हो ऐसा ध्यान रखो, और धीरे धीरे करो, धीरे धीरे सीखो, लर्न करो, उसके बाद ये सब चीज़ें करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।